हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन एक्टर्स की जिन्होंने अपने रिलीजियस के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ारा वसीम की। ज़ारा वसीम एक ऐसी एक्ट्रेस है जो दंगल, सुपरस्टार, स्काई पिंक जैसी मूवीज़ में नज़र आई हुई है। उन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया के ज़रिए बताया कि वो अब शोबिज़ क्वाइट कर रही हैं क्योंकि इसकी वजह से वो अपनी रिलीजन इस्लाम से दूर हो रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सना खान की। बिग बॉस और टेलीविज़न एक्ट्रेस सना खान ने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बताया कि वो शोबिज़ क्वाइट कर रही हैं और वो अपनी लाइफ अब इस्लामिक वे में गुजारेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे बरखा मदन की। 1996 में अक्षय कुमार और रेखा के साथ खिलाड़ियों के खिलाड़ी मूवी में नज़र आई हुई हैं। बरखा मदन एक एक्ट्रेस और मॉडल थी। उन्होंने छोटे और बड़ी स्क्रीन दोनों पे काम किया था। फिर उन्होंने टेलीविज़न छोड़ के बुद्धिस्ट नन बनने का फैसला किया था। उसके बाद हम बात करेंगे अनु अग्रवाल की। अनु अग्रवाल आशिकी जैसी आशिकी एक हिट मूवी 1990 में जो रिलीज़ हुई थी उसमें नज़र आई हुई है। उन्होंने कहा कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे और उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में एक आश्रम ज्वाइन किया था। उसके बाद हम बात करेंगे विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना ने उस टाइम पे बॉलीवुड छोड़ दिया था जब वो अपने कैरियर के टॉप में थे। उन्होंने उस टाइम पे ओशा आश्रम ज्वाइन किया था अपनी स्पिरिचुअलिटी को अवेयर करने के लिए। उसके बाद उन्होंने फिर से शोबिज ज्वाइन किया था। उसके बाद हम बात करेंगे सोफिया हयात की। 2016 बिग बॉस में नज़र आई हुई सोफिया हयात ने शोबिज छोड़ के नन बनने का फैसला किया था। फिर उन्होंने अपना नाम भी चेंज किया था जहाँ पे उन्होंने अपना नाम सोफिया मदर रखा था। ये थे कुछ एक्टर्स जिन्होंने अपने शोबिज छोड़ के रिलीजियस वे अपनाया था। थैंक यू सो मच।